नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोडा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ठुमरी में आपने ढोलक कैसे बजानी है। एक बहुत ही फेमस ठुमरी है जो कि अगर अक्सर आपने सुनी भी होगी और उसके लिए रिक्वेस्ट भी आई थी, याद पिया कि आए। ठीक है, इसमें आपने किस तरीके से ढोलक बजानी है, क्योंकि तबले पर मैं इसको कई बार मैंने बताया है। हालांकि इस गज़ल के साथ नहीं बजाया, जो ठुमरी है इसके साथ मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन इसके जो पैटर्न है वो तबले पर ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपने उनका रियाज किया होगा तो आप उसमें बजाते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ढोलक पर मैंने ये नहीं बताया है, तो ढोलक पर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और आप बजा सकते हैं। पहले ठेके देखें कैसे बज रहे हैं, किस तरीके से आपने बजाने हैं। सबसे शुरू वाला ठेका देखते हैं। ठेका क्या है, ये उठान है। कई ठुमरियों में आप लगा सकते हैं इस वाले उठान को, जैसे कि जैसे ये चला, तो आपने पहले सम ढूंढना है सम का। ठीक है, ता तक त्रिपुर तक त्रिपुर ता तक त्रिपुर तक त्रिपुर ता, इस तरीके से ता तक त्रिपुर तक त्रिपुर ता। इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि गाने के साथ बजाना मेरे लिए थोड़ा सा बहुत हार्ड होता है, फिर भी आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे कि क्योंकि अगर कोई गाए तो इस तरीके से थोड़ा आपने लगाना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो उठान है, इसके बोल हैं ता, इस तरीके से बजाया, हल्का सा गैप लिया ता, फिर तक त्रिकट तक त्रिकट धा, ये जो धा है ये समय। ठीक है, ता तक, अंदर भी ले सकते हैं बाहर और अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, ता तक तेरे किट तक तेरे किट, बाकी के सब अंदर ही आएगा। ता फिर तक ती रिट तक ती रिट, बाकी की चीजें अंदर ही आ रही है। ठीक है, ता तक तीर किट तक तेर किट, समझ गए, ये बजाया ता, फिर तक तेर किट तक तेर किट। लेकिन ये बहुत फुर्ती से लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ता तक तिरकिट तक तिरकिट ता तीन ता ता तीट, ये समझ गए। एक बार फिर से देखें, फिर ठेका ता तक तेर किट तक, फिर तेर किट, जैसे बोल लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपने ठेका कैसे बजाना है। दो तीन ठेके आपको बताऊंगा और उसके साथ एक आध तिहाई भी बताऊंगा, है ना, आपने कैसे बजाना। देखें, सबसे स्टार्टिंग वाला जो ठेका है वो देखते हैं। ठीक है, इसके बोल देखते हैं। धा स्लिप किया, ठीक है, बेस आप साइड में देख रहे हैं। धा धीन, ना जो है आपने यहां से बजाना है धा धीन इस तरीके से। ठीक है, धा धीन, फिर धा गे धीन। ठीक है, धा धी न धा गे धी न, ना जो है यहाँ से आप बजा सकते हैं धा धीन धा गे धीन धा तीट, फिर ता ता ती लास्ट में धा धीन। धा जो है स्लिप किया, धीन सिंपल रखा, धा धीन ऐसे धा धी न, उसके बाद है धा गे धी न, धा को स्लिप किया, गे को सिंपल और धी को भी सिंपल। ठीक है, धा गे धी न, फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट, उसके बाद सेकंड लाइन है, फिर धा स्लिप किया, फिर ती, फिर ता, उसके बाद ता ता ती त, इसको कंटिन्यू आप बजा सकते हैं इस वाली गजल के साथ। उठान लिया, ये वाला ठेका पूरा बज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धा दिन धा गे दिन धा तिट ता ता तिट धा दिन धा गे दिन धा तिट ता ता तिट। एक बार फिर से देखें इसकी बोल। धा स्लिप किया, धा फिर धी न, फिर धा गे धी न, उसके बाद है फिर खाली वाला पार्ट धा ती त, उसके बाद है ता ता और की, यहां से लेना बेस। ठीक है, की और फिर यहां से ता, सॉफ्ट तरीके से बजाना। रियाज कैसे करना है इसका, धा धीन धा गे धीन धा ती त ता ता ती त, धा धीन धा गे धीन धा
ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठेका आपके हाथ में आ जाएगा, फिर आप बजा सकते हैं इसको। धुमाली ताल का प्रकार भी कहते हैं, धुमाली ताली ज्यादातर ठुमरियों में बजाई जाती है, या फिर और भी बहुत सारी मतलब श्लोक कैरवा के कई प्रकार है जो बजाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखें, फिर इससे नेक्स्ट वाला ठेका बताता हूँ। धा धीन धागे धीन धा इट ता ता इट, ये हो गया। दूसरा वाला है धा धा धी धी धा धा धी धी धा इट ता। बहुत ही अच्छा ये वाला प्रकार है, इसको आपने कैसे बजाना वो देखते हैं। शुरू वाला धा स्लिप किया, धा धा, ठीक है, धा 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 धा, फिर धा शुरू वाला स्लिप किया, धा धा धी धी धा धा धी धी। बेस समझना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर समझ गए तो फिर आपके काम आएगा, है ना। समझाने का काम मेरा है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझाता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। कहीं तो बोर हो जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर या फिर मैसेज भी करते हैं कि हमको अब हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा जब आप सीखना ही नहीं चाहते हैं। शॉर्ट में कोई दवाई नहीं कि आपको मैं बताऊँगा और आप खाएंगे और बस मस्त हो गए सीख गए, ऐसा नहीं होता है। एक ठेके को समझाने के लिए और उसको रियाज करने के लिए महीनों लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं कई बार तो, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, है ना। तो मेरा काम सिखाने का है, आप चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं उनको सिखाना चाहता हूँ जो लोग सीखना चाहते हैं, भाग्यों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखें एक बार, धा इस तरीके, धा धा इस तरीके से जंप करेंगे। धा स्लिप किया, धा को जंप किया, धा 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 धी धी धा। दूसरा वाला धा जंप, बिल्कुल ध्यान से देखें, शुरू वाला धा स्लिप किया, धा दूसरा वाला जंप किया, फिर धा धा हो गया, फिर धी धी वाला जो बोला है हम यहाँ से बजाएंगे, यहाँ से ती और यहाँ से के, धी धी धी। यहाँ से बजाया पहला वाला धी, दूसरा वाला धी जब हमने स्लिप किया तो यहाँ से हमने इस वाले उंगलियों से किया और यहाँ से ऐसे, ठीक है, धी धी, ठीक है, हो गया। धा धा धी धी, फिर धा धा धी धी। थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर रिपीट करके भी वीडियो देखेंगे, स्लो करके भी देखेंगे तब भी समझ जाएंगे। धा स्लिप, धा धी धी, धा धा धी धी, इतना हो गया। फिर इसके बाद है धा तिट इस तरीके, धा धा के बाद आप तिट तक तक तरीके में ले सकते हैं, ठीक है। धा तिट ये लिया, तक तक तेरा तिट, अच्छा लगेगा। धा इस तरीके, दादा दीदी धा तिट तक तक तेरे गिट, दादा दीदी दादा दीदी धा तिट तक तक तेरे गिट, दादा दीदी दादा दीदी धा तिट तक तक तेरे गिट। एक बार फिर से देखें, धा धी इस तरीके, धा दीदी। ठीक है, धा धा जंप किया दूसरा वाला, फिर धी पीछे आया, फिर ये वाला धी आगे गया, धी धी, फिर धा धा, फिर धा धा, एक धा पीछे आया एक आगे गया, धा धा, उसके बाद है धी धी कंप्लीट। ठीक है, धा धा धी धी धा धा धी धी, ये हो गया। फिर धा खाली वाला जो धा आएगा वो धा, उसके बाद आएगा तिट, फिर आएगा तक तक तेरा तिट कंप्लीट। जैसे बोल लिखे हैं वैसे बजा सकते हैं, बाकी आप वीडियो को रिपीट करके देखें, बिल्कुल शुरू में बताया हुआ है वैसे ही आपने बजाना है। ठीक है, बजा के दिखाता हूँ आपने कैसे इसको बजाना है। एक ठेका और आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखें कैसे आपने बजाना है। ठीक है, इसको बोले धा तिट तिन तिन, तिन तिन ऐसे बजा सकते हैं, धा तिट तिन तिन नागे तिट दिन दिन, धा तिट तिन तिन नागे तिट दिन दिन। बजाना कैसे, धा सिंपल वाला स्लिप नहीं करना है, धा सिंपल वाला धा, ठीक है, ऐसे धा तिट, उसके बाद तिन तिन, एक उंगली से बजा सकते हैं तबले पर भी ढोलक पर भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धा तिट तिन तिन, उसके बाद नाग तिट, ठीक है, ना यहाँ से बजाया, गा यहाँ से हल्का, नाग उसके बाद उल्टा तिट तिट, फिर धिन 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 जो है वो जंप करना है, धिन ऐसे और धिन। ठीक है, दोबारा देखें, धा, अच्छा धा
कई बार इसीलिए अलग अलग कन्फ्यूज ना हो कि कई बार स्लिप होता है, कई बार जंप होता है, अलग अलग तरीके का होता है, कई बार हमें स्लिप करना होता है, कई बार जंप। अक्सर आपको बताता भी रहता हूँ, जहाँ पर जंप करना होता है वहाँ पर जंप, जहाँ पर स्लिप वहाँ पर स्लिप। ठीक है, धा एट, ठीक है, धा के बाद उल्टा थीटा आ रहा है, धा एट इस तरीके से। ठीक है, इतनी ही स्पीड में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, धा एट तीन तीन, ठीक है, उसके बाद न ग एट, फिर है दिन दिन, अच्छा दिन दिन, फिर ऐसे बजाना है यहाँ पे। ठीक है, दिन दिन, मेन काम बेस से, दिन दिन जो है बेस से बजेगा जंप होकर। ठीक है, दिन दिन कंप्लीट। तिहाइयाँ आप वैसे बहुत सारी बजा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लेसन अपलोड किया हुआ है जिसमें कई सारी तिहाइयाँ आपको बताई है, इसमें आपको एक तिहाई बता देता हूँ। जैसे कि एक तिहाई है, तक तिरकिट ध धीट ता तीट ध धीट ता तीट ध, पूरी आठ मात्रा का। ठीक है, अगर मतलब सिंगल बजाएंगे जैसे मैं बजा रहा हूँ, ती तक, ठीक है, ती ऐसे बजाया तक तीर किट, समझ गए, ती तक तीर किट, फिर ध स्लिप किया धा को, ध धी, धी जो है सिंपल है, ध धीट, फिर ता तीट ध धीट ता तीट ध, बहुत जबरदस्त किया ये। ठीक है, ती तक तीर किट, ठीक है, धा धीट, फिर ता के साथ का ऐड किया ता तीट, दोबारा से वही है धा धीट, फिर ता तीट, और लास्ट में धा कंप्लीट। जैसे बोल लिखे हैं वैसे बजा सकते हैं। तो ये जो ठीके मैंने आपको इसमें बताए हैं, ये आप बहुत सारी ठुमरियों में बजा सकते हैं, स्लो स्पीड के जो कहरवा है और बाकी जो गाने होते हैं, गजलें होती हैं, उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं इन सब ठेकों का। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो जैसे कि आपने स्क्रीन पर नंबर देखा होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्लास बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ढोलक तबला या हारमोनियम परचेज करना चाहते हैं, और क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब जैसे कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टाइटल पर जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और वहाँ पर अगर आप अच्छा तबला बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अमेजोन से मंगवा सकते हैं, आपके घर पर वो तबला पहुँच जाएगा। और बाकी हारमोनियम है, ढोलक थोड़ा सा क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिटी वाली ढोलक वहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए ठीक ठाक ढोलक अगर चाहते हैं तो भी वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये तक की आपको ढोलक मिल जाएगी। तबला आपको बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी का भी मिल जाता है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपका 12 हज़ार के आसपास, 12 हज़ार हाईएस्ट जो प्राइस है 12-13 हज़ार तक का है, और अगर लो की मैं बात करूँ कि कम से कम आपको वहाँ से 2800-2900 या 3 हज़ार तक तबला स्टार्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल तबला लेना है तो आपको 7 हज़ार से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 हज़ार या 8 हज़ार के आसपास भी प्रोफेशनल तबला आप ले सकते हैं, वो भी ब्रास में मतलब पीतल में। अगर आपको तांबे का चाहिए तो तांबे का भी ऐसा मिल जाता है, लेकिन अच्छा जो तबला होगा वो लगभग 10,000-9,000 या 11-12 हज़ार के आसपास आपको पड़ेगा, लेकिन वो आपका लाइफ टाइम यूजेबल होगा, क्योंकि आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं आगे आपको कैसे लेसन चाहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।